आपके अपने YouTube चैनल लेवल अप पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा जीके। HSSC के एग्जाम्स में हरियाणा जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आज हम हरियाणा जीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हरियाणा की स्थापना, क्या पूछ सकता है, हरियाणा की स्थापना, हरियाणा की स्थापना कब हुई। तो ये हुई दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की स्थापना कब हुई, 1966 को। तो हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का मैप देखते हैं दोस्तों। ये देखिए हरियाणा का मैप कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा, इसका मतलब होता है दोस्तों सिफारिश, सिफारिश। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की सिफारिश पर हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों हमारा सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर। सरदार हुकुम सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनने के बाद 1967 से 1972 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। क्या रहे थे दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल। तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 1967 से 1972 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल तो कौन थे दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह। चलिए सरदार हुकुम सिंह की एक आपको छोटी सी झलक दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारे सरदार हुकुम सिंह। चलिए आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ दोस्तों है पंजाब की, हरियाणा के साथ साथ किसकी राजधानी है दोस्तों, पंजाब की। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पंजाब की राजधानी क्या है, तो उसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, चंडीगढ़। चलिए आपको चंडीगढ़ की छोटी सी झलक दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा खूबसूरत चंडीगढ़। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है, हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो ये है दोस्तों हमारा 1.34%, कितना है, 1.34%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की राजभाषा, हरियाणा की राजभाषा क्या है। तो हमारे हरियाणा की जो राजभाषा है वो दोस्तों हमारी क्या है, हिंदी। हरियाणा की राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है हरियाणा की दूसरी राजभाषा। तो देखिए दोस्तों हरियाणा की दूसरी राजभाषा है पंजाबी। पंजाबी की थोड़ी झलक देखते हैं किस तरीके से लिखा जाती है। ये है देखिए दोस्तों पंजाबी। चलिए इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो हमारी जो हरियाणा की सीमा है दोस्तों वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन से हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है हरियाणा की सीमा रेखा। 5 राज्य हो गए हमारे, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं। तो दोस्तों हरियाणा में है कुल ज़िले 22। कितने ज़िले हैं दोस्तों, 22 ज़िले। इन 22 ज़िलों के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। इनके बारे में आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ज़िलों से रिलेटेड, आपको सारा डिटेल से करवाएंगे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा का राज्य पशु। दोस्तों हरियाणा का जो राज्य पशु है वो है हमारा कृष्ण मृग। इसको हम काला हिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काला हिरण। काला हिरण की भी आपको एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। ये देखिए ये है काला हिरण, कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।